सी चीज़ें बेमकसद होनी चाहिए। बेमकसद हंसना, बेमकसद बोलना, मेरी तरह बेमकसद मुस्कुराना, बेमकसद खुशियों को सेलिब्रेट करना, बेमकसद रोना, मगर रुलाना नहीं। ये तो बातें बेमकसद की थी भाई। हर चीज़ मकसद के तहत होगी तो फिर तो मकसद ही बस हो गया कि आप मकसद पूरा कर रहे हैं, है ना ऐसी बातें। आजकल बहुत सारे चैनल्स में आप बहुत सारे मॉर्निंग शोज देख रहे हैं। हर चैनल पे, हर मॉर्निंग शो में एक दौड़ लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जी रेटिंग की दौड़, आगे बढ़ने की दौड़, भागने की दौड़, आगे निकल जाने की, सबको पीछे छोड़ जाने की दौड़। बस जो शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, इसमें किसी भी किस्म की भागम दौड़ नहीं है, ना ही रेटिंग की दौड़ है, ना टेंशन है कि मैंने सबको पीछे छोड़ जाना है। आपने बहुत सुना होगा कि वही कौम कामयाब होती है, वही मुल्क कामयाब होता है जिस मुल्क में, जिस कौम में एका होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सबको पीछे छोड़ देंगे और ख़ुद आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? इसलिए मैं सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ। इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी ज़िंदगी की फ़िज़ा बदलने के लिए, ये सुबह की फ़िज़ा आपके लिए एक नया शो लेकर आई है। मैं हूँ फ़िज़ा अली, अस्सलाम वालेकुम, आपकी नई होस्ट, एक नए सेट, एक नए सुबह में एक नई रौनक कह सकते हैं आप मुझे, रौनक के साथ आपके लिए एक नया सेटअप लेकर आई हूँ। आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया रिलेशनशिप। और जब स्टार्ट की बात आई, शो शुरू करने की बात आई, तो एक बड़े मज़े की बात मुझे बल्कि याद आई। कल सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि फ़िज़ा तुम कितनी बड़ी डम हो, तुम 31 दिसंबर को तुम अपना शो शुरू कर रही हो, 2011 में तुम नए साल को अपना शो शुरू करती ना, 1 जनवरी को शुरू करती, नया साल होता, नया रेजोल्यूशन, सब कुछ नया, नया दिन, फिर 31 दिसंबर क्यों? तो आज मैं आपको ऑन ईयर बताना चाहती हूँ कि मैंने ये दिन क्यों चुना, साल का आखिरी दिन क्यों चुना। कहते हैं, और सेइंग भी है बहुत बड़ी, इवन बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ऑल इज़ वेल वेन एंड्स वेल। मेरे हिसाब से ऑल इज़ वेल वेन एंड्स वेल, तो जब आखिर अच्छा होगा तो शुरू इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के कर्म से बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीदें करती हूँ खैर आफियत से, मगर मैं चाहती हूँ कि आज इस 2011 को मैं, आप, हम सारे मिलके बहुत प्यार से सेलिब्रेट करें और इसको बहुत प्यार से रुख्सत करें, खुदाफिस करें 2011 को, और इस तरह कि हम अपने सारे गम, दुख, दर्द सब भूल जाएं, कि हमें कुछ भी याद ना रहे, ऐसे कि जैसे हम कभी रोए नहीं, हमारा कभी कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ हो, जैसे हम कभी टेंशन में आए ना हो, या हमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ी हो। बिल्कुल ऐसे हमने नए साल को सेलिब्रेट करना है हंसते हुए चेहरों के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, मगर उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। देंगे मेरा साथ? आवाज़ आ रही है मुझे कि आप देंगे, है ना? बिल्कुल साथ देंगे। अच्छा, थोड़ी सी काम की बातें करती हूँ। 1 जनवरी से CNG की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफा। हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस हुई आसमा जहांगीर। सरदार आसिफ अहमद अली ने कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि वो जो मेरी सहेलियाँ हैं ना, जो घर बैठी हुई हैं और उनको अभी सौदा मंगवाना है सुबह सुबह, सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही होती है, पता नहीं आज सब्ज़ी के रेट क्या होंगे, क्या टेंशन होगी। तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सब्जियों का क्या भाव चल रहा है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ताज़ा सब्जियों के ताज़ा दाम। चलो, आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, टमाटर लो, गाजर भी ले सकते हैं, तो गाजर से ही शुरू करते हैं। गाजर जो है वो स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। जिन लड़कियों का रंग थोड़ा सा डार्क है वो गाजर इस्तेमाल करें, बड़ी गोरी हो जाएंगी, और पिम्पल्स के लिए भी बहुत अच्छे, आंखों के लिए बहुत अच्छे। जिन लोगों को एनके लगी हुई है ना, और फिनी तो सारे चश्मे शश्मे उतर जाएंगे। 30 रुपये किलो गाजर। अच्छा, मटर भी आंखों के लिए अच्छा है। कराची में मटर पुलाव बहुत पकता है, यहाँ पे ज़्यादा, लाहौर में मैंने देखा है चिकन के साथ पुलाव पका लिया जाता है, और मटर का इस्तेमाल कम होता है। मिक्स सब्ज़ी पकाएं, मटर पकाएं, तो मटर 35 रुपये किलो, इससे ऊपर के रेट में कोई सब्ज़ी नहीं लेनी है, आपने पहले बता दे रही हूँ। अच्छा, शलजम, शलजम के लिए बड़ा मशहूर है, जिसने खाया शलजम उसका गया बलगम।
बलगम बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा है ना। लगे तो क्या भाई, जब शलजम भी तो अजीब सा ही वर्ड है इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं ना, तो फिर शलजम भी उसकी शलजम 32 रुपए किलो। फूल गोभी, फूल गोभी जो है ना ऐसे ना पकाया करें, इसको घर में बहुत सारी अदरक डाल के पकाया करें, वरना वो जो CNG वाला केस बताया था वो घर में आम हो जाएगा, सारे भाग जाएंगे। तो बड़ा एहतियात, 70 रुपए किलो, वैसे भी बड़ी महंगी है। आज तो आपने गोभी नहीं पकानी है, प्रॉमिस कर लें, बहुत महंगी है। आलू जो है वो रोज़मर्रा और प्याज जो है वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, तो 21 रुपए किलो आलू है, 40 रुपए किलो प्याज है। पालक से पथरी हो जाती, उबाल के ज़रूर आपने उसको खाना है, तो फिर पथरी नहीं होगी, 21 रुपए किलो। मूली यही वही 13 रुपए फी किलो बढ़ गया, अब इसमें भी आपने देखना 21 रुपए किलो मूली। और अब हमारा मेरे ख्याल से वक्त हुआ जाता है कि हम छोटी सी मूली ब्रेक, मेरा मतलब है CNG ब्रेक, मेरा मतलब है ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मेरे हाल जो है ना, मतलब इस सब्जियों के बाद कुछ गाजर ठंडे वाले हो गए, तो आप प्लीज़ जाके ना ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे पास है बहुत बड़े बड़े स्टार्स आज, और सारे मिलके आज करेंगे हम लोग बड़े मजे मजे की गपशप। टेक अ ब्रेक।